वेलकम टू पीआर किचन फ्रेंड्स। देखिए आज हम अपने किचन में रंग बिरंगी पूड़ियाँ बनाने वाले हैं। देखिए इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं। ये पालक और बीटरूट्स की चुकंदर की पूड़ियाँ हैं। पालक को मैंने क्लीन कर लिया है, इसके सारे डंडे हटा दिए हैं और ये बीटरूट को मैं भी क्लीन करके वॉश करके क्लीन करके ग्रेट करके स्टार्ट करूँगी। इसको मैं आटे में बनाने वाली हूँ। ये मेरा हींग है और हींग इसमें अच्छे अमाउंट में जाता है। ये मेरा चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, नमक और ये मेरा जीरा, मंगरेल और अजवाइन, ये मैंने मिक्स करके रखा है। मैं एक तीसरी पूड़ी भी बनाऊंगी, मसाला पूड़ी, उसमें डालूंगी। और ये मेरा आटा है। मैं हर पूड़ी हर तरह के एक एक कप आटे को लेकर के बनाने वाली हूँ। पहले मैं ये सबसे पहले बीटरूट क्लीन करके और इसको मैं दूध से मारने वाली हूँ। ये भी आप ध्यान रखना, मैं इसमें अंदर मोयन नहीं डालूंगी, सॉफ्ट बनाने के लिए दूध से मारूंगी। सबसे पहले मैं अपना बीटरूट ग्रेट करने वाली हूँ। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोज़ को कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और आप अपना कोई सजेशन देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो। देखिए मैंने अभी प्यूरी बनाने के लिए मैंने अपना पालक सारा पीस लिया है। मैं इसको बॉईल करके नहीं यूज़ करने वाली हूँ, मैं इसकी प्यूरी ऐसे इसका जूस निकालूंगी वो यूज़ करूँगी। आज मैं पूड़ी बना रही हूँ, इस तरीके से अगर आप ब्रेड बनाएं तो वो बहुत हेल्दी बनती है और ये भी बहुत हेल्दी है क्योंकि हमारा ग्रीन जा रहा है पूरा। पालक में बहुत सारा आयरन होता है, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। बच्चे पूड़ी खाते हैं, ठंड में आते ही ज़्यादा खाने का मन करने लगता है, तो फिर आप पालक का रस डाल करके पूड़ी बनाइए तो वो हेल्दी भी होगी और टेस्टी भी बहुत बनेगी। ये देखिए मैंने सब इस तरीके से जूस अलग कर लिया पालक से। और इसी बीच मैं क्या करूँगी, अपना जो हींग है उसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल करके रख दूंगी। ये मेरा जूस और ये हींग में मैं गर्म पानी डालूंगी और इसको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रख दूंगी। इस तरह से गर्म पानी में मिक्स करके हींग जब डालते हैं तो बहुत अच्छी सी स्मेल आती है। अदरवाइज आपको ज़्यादा हींग डालनी पड़ती है और स्मेल कम मिलती है, और हींग का टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और स्मेल तो बहुत अच्छी होती ही है। मेरा एक जूस, ग्रीन जूस रेडी हो गया था, अब हम अपना रेड जूस रेडी करते हैं। ये मैंने बीटरूट को ग्रेट किया और उसे पीस लिया और मैं इसका जूस निकालने वाली हूँ। इसको भी सेम इसी तरह स्ट्रेनर से पास थ्रू करूँगी तो हमारा बहुत अच्छा सा जूस रेडी हो जाएगा। आप डायरेक्टली ये पूरा लेकर के भी आटे में मार सकते हो, बट ये थोड़ा सा मोटा पार्ट होता है तो पूड़ी हमारी स्मूथ सी नहीं बनती। तो ये ऑप्शन आपके पास दोनों हरदम रहता है कि आप इसको पूरा, इसको अच्छा सा पेस्ट बना दो और पूरे से मार लो या फिर जूस निकाल करके बनाओ। बीटरूट में भी बहुत ज़्यादा आयरन होता है, बहुत हेल्दी होता है। इवन जो एनेमिक लोग होते हैं उनको बीटरूट खाने के लिए बोला जाता है कि वो बीटरूट अपने लंच या डिनर से पहले एक बीटरूट पहले से वो खा लें। ये देखिए मेरा आटा, देन सॉल्ट, चाट मसाला, एंड ये मेरा पालक का जूस। और इस तरीके से बथुए के पराठे बनते हैं, वो बहुत ही टेस्टी होते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर उसका डालूंगी। और थोड़ा सा ये मेरा हींग का पानी, इसको मैं काफ़ी सख्त सा आटा लगाऊंगी। ये देखिए मेरा आटा ये काफ़ी सख्त सा हो गया है। अब मैं इसमें एक चम्मच ऐसे तेल डाल करके फिर इसको अच्छे से मार के सॉफ्ट करूंगी। इससे हमारी पूड़ियाँ बहुत सॉफ्ट बनेंगी और बहुत अच्छी सी बनेंगी। और इसको मैं रेस्ट के लिए 10-15 मिनट के लिए रख दूंगी।
अब इसके बाद हम चलेंगे अपने सेकेंड आटे की तरफ, जो कि हमारी रेड पूड़ियों के लिए है। ये मेरा बीटरूट का जूस, सॉल्ट, चाट मसाला एंड ये मेरा हींग का पानी। इसके लिए मैं केवल जूस का ही यूज़ करूँगी। अगर जूस के बाद मुझे कुछ पानी रिक्वायर्ड होगा तो मैं उसमें दूध यूज़ करूँगी। मैं पानी नहीं यूज़ कर रही हूँ इसके साथ, जिससे कि हमारी पूड़ियाँ काफ़ी सॉफ्ट बनेंगी। ये इस तरीके से मैं इसको भी एक टाइट सा डो बना करके रखूँगी। ये अभी टाइट नहीं हो रहा था तो मुझे थोड़ा आटा और इसमें मिक्स करना पड़ा। और ये इसमें भी मैं एक चम्मच ऑयल डाल के इसको अच्छे से माड़ूंगी और इसे सॉफ्ट कर लूंगी और रेस्ट के लिए फिर 10 मिनट के लिए रख दूंगी। ये पूड़ियाँ खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होती हैं। ये हेल्थ से भरपूर तो है ही, खाने में भी बहुत अच्छी होती हैं। ये मेरा दूसरा आटा रेडी हो गया। अब मैं इसको रेस्ट के लिए रख रही हूँ। अब मैं तीसरी मसाला पूड़ी बनाने जा रही हूँ। मसाला पूड़ी का ये आटा, देन इसमें मैंने जो जीरा, मंगरेल और अजवाइन लिया था, चाट मसाला, आप इसमें मिर्च पाउडर डालना चाहते हो मिर्च पाउडर भी डाल सकते हो, कसूरी मेथी भी डाल सकते हो, मैंने कसूरी मेथी नहीं यूज़ की है। ये बहुत ही अच्छा बनता है। और थोड़ी सी हल्दी भी मैं इसमें डालूंगी, इसको मिक्स करके देन मैं इसे दूध से माड़ूंगी। ये आपको जैसे कभी आप ट्रेन में जा रहे हो उस समय के लिए भी ये बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें पूरा टेस्ट होता है, आपको सब्जी की ज़रूरत ही नहीं होती साथ में। थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके मैं स्टार्ट करूंगी। फिर मैं इस तरीके से टाइट सा डो लगा करके मैं रख दूंगी। अगेन थोड़ा सा ऑयल डाल करके, मैं आटे में अंदर ऑयल डालने के बजाय इस तरह से प्रेफर करती हूँ कि मैं उसमें ऑयल डाल के उसको अच्छे से माड़ूं, जिससे कि आटा सॉफ्ट भी हो जाता है और हमारा वो बहुत खस्ता पूड़ियाँ बनती हैं फिर। ये देखिए मेरा तीनों तरह का आटा रेडी है। अब मैं इसकी छोटी छोटी बॉल्स, लोइयाँ बना के रख लूँगी एंड साथ में तेल भी रख दूंगी गरम होने के लिए। और ये ध्यान रखिएगा, जो हींग का पानी मैंने बनाया था उसको मैं हाथ पे ऐसे लगाती हुई जाऊंगी तो बहुत अच्छा हींग का फ्लेवर आता है टेस्ट में, क्योंकि अभी हींग जो है हर पूड़ी के ऊपर आ गई होती है तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसी तरीके से मैं सारे आटे की ऐसे से लोइयां बना लूंगी और मैं साथ में ऑयल रख दिया है गरम होने के लिए। ऑयल थोड़ा सा टाइम लेगा, तब तक हमारी लोइयां बन के रेडी हो जाएंगी। ये देखिए मेरी लोइयां रेडी हैं। अब मैं इनकी पूड़ियां बनाना स्टार्ट करती हूँ। ये ऑयल भी मेरा गरम हो गया। मैं हरदम काम थोड़े से ऑयल से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मैं एक बार यूज़ किया हुआ ऑयल, हीट किया हुआ ऑयल में दोबारा नहीं यूज़ करती। तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं थोड़े से ही ऑयल से स्टार्ट करूँ। अगर मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा तो मैं ज़रूर लूँगी, अदरवाइज़ मैं थोड़े ऑयल में स्टार्ट करूँगी। एग्जैक्टली हीट होने के बाद ऑयल जो है, एक बार हीट होने के बाद दोबारा रीहीट नहीं करना चाहिए ऑयल को, तो इस वजह से मैं ऐसे स्टार्ट करती हूँ। अभी मेरा ऑयल गरम हो गया है। अब मैं एक एक करके अपनी हर कलर की पूड़ियां बनाऊंगी।
पूड़ियाँ बनाने के लिए आँच आपको एकदम हाई पर रखनी होती है, तभी अच्छे से पूड़ियाँ फूलती हैं। इसी तरह से मेथी की भी पूड़ियाँ बनती हैं। मेथी को काट करके पूड़ियों में डालते हैं, बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। आप किसी भी ग्रीन्स जो साग है उसको आप इस तरह से बना सकते हो। आपकी फैमिली में जो ज़्यादा पसंद किया जाता है वो आप बनाओ, बच्चे इसको फिर बहुत पसंद करते हैं और इसी बहाने बच्चों के पेट में ये साग जाता है। एक मसाला पूड़ी, पूड़ियाँ सभी अपने घर में बनाते हैं मोर और लेस, थोड़ा सा इधर किसी का, थोड़ा सा उधर किसी का। ये मेरा तरीका है जो मैं आज आपको बता रही हूँ। मेरी पूड़ियाँ रेडी हो रही हैं। सर्दी का मौसम आ रहा है, सर्दी के मौसम में ऐसी चीजें खाने का बहुत मन होता है। ये देखिएगा, जब आप तेज आंच पर पूड़ियाँ तल रहे होंगे तो पूड़ियाँ बहुत ज़्यादा फूलती हैं, और आंच आप स्लो कर दोगे, अगर आपकी कढ़ाई एक बार अच्छे से हीट नहीं हुई है तो पूड़ियाँ अच्छे से नहीं फूलती हैं। एक ये होता है पॉइंट, और दूसरा पॉइंट होता है आपका आटा बहुत अच्छा सा माड़ा होना चाहिए, वो माड़ करके हल्का हो चुका होना चाहिए। ये दो रीज़न होते हैं जिस वजह से हमारी पूड़ियाँ अच्छे से फूलती हैं। अब मैं ये पूड़ियाँ जो है सारी किचन टॉवल पर निकालती जाऊंगी और फिर मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी। इसको मैं सॉस, ये मेरा अचार है जिसमें कम मैंने काबुली चना भी डाला हुआ है, और खट्टी चटनी जो मैंने नींबू की बनाई हुई है, मैं सब एक साथ रख रही हूँ। ये बहुत ही टेस्टी लग रहा है, आप ज़रूर बनाइए, खाइए और खिलाइए, और मुझे ज़रूर बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी कुकिंग।